जनाब थोड़ा और तेज़ चला सकते हैं क्या? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। द मोबाइल सेट इज ऑफ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। जनाब थोड़ा तेज नहीं चला सकते आप? हमारा तेज चलो भाई। तब क्यों आपको माहिर बन के हो तुम? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बस पलक झपकते ही आप घर में होंगी इस कुरान के सदके में। जो खुदा की मर्जी हो बेटा। मेरे ख्याल में अब काफी है, अब हम बाहर चलते हैं। अम्मी जान आपको इमाम रजा की जमानत में देती हूँ। जाओ बेटा जाओ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ठीक है अब हम भी चलते हैं, आपके आसपास को सन्नाटा करना ज्यादा बेहतर है। खुदा हाफिज़। दोनों का ख्याल रखिएगा रसूल साहब। इंशाल्लाह आपके देर साया। खुदा हाफिज़। रसूल साहब जी मेरी बातों को ना भूलिएगा। इंशाल्लाह घर पर मुलाकात होती है, वहीं पर गुफ्तगु होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उठो बेटा तुम्हारा बीपी लो हो गया है, रोजा जो रखती हो। मैंने भी बगैर सहरी के रोजा रख लिया। उठो जल्दी चलते हो, जल्दी चलो यहाँ से। चल चलो। नहीं मैं रुकना चाहती हूँ। अरे बेटा जल्दी चलो, मेरा भी हाल तो देखो, रोजा रख लिया है मैंने। जल्दी करो मेरी बेटी, बगैर सहरी के मैंने रोजा रख लिया, दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। शरीफा तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूं कि मेरा दिल तुम्हें मिल रहा है। ऐसे कम से कम सोच तो सकता हूं कि मुझे माफ कर दोगी। क्या तुम्हें यकीन है हाजी? मैंने इसका दिल तोड़ा है, अब जब मेरे कल्ब से जिंदा रहेगी उम्मीद कर सकता हूं मुझे माफ कर देगी। लेकिन भूलना नहीं हाजी, न शरीफा जानती है किसका कल्ब ले रही है और न तुम्हारे बच्चे शरीफा को पहचानते हैं और जानते हैं कि तुमसे क्या रिश्तेदारी है। हाँ भाई काश तुम कुछ कर सकते कि खुसरो समझ जाता कि जिसकी तलाश में है ये है। मुझे जिन कामों की इजाजत थी वो मैं कर चुका हूँ हाजी। इसके असबाब फराहम किए, वो कागजात तुम्हारे दामाद ने छिपाए थे वो तुम्हारे बच्चों तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। लानत हो इस किस्मत पे, इस पहले वाले को ही पहुंचा। अदू सबे बे खैर बनता है कि यही मतलब होगा। बाबा क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं? तुम बता सकती हो क्यों दौड़े थे वो लड़के? ए जी ए सासान, क्या तुम्हें अपना मोबाइल वापस लेना जरूरी था? तुम्हें कितने लोगों ने पूछा कि कहाँ रह गया सासान? नहीं शायद तुम्हारा तो बस ऐसा लगता है। आ बेटा जल्दी आ। सासान आ गया तुम्हारे तमाम कागजात लेकर। उम्मीद है कि वो अपना काम जानता हो। तुमको भी एक बात जानना चाहिए आजी, अगर तुम्हारे बच्चे शरीफा को पहचान भी लें और उसके तमाम हक को हुकूक अदा भी कर दें तो खुद ये शरीफा फैसला करेंगी कि वो तुम्हें माफ करें या माफ ना करें।
मेहताब, ये वही कागज़ है जो हम ढूंढ रहे थे, वही कागज़ जो नमाज खाने में थे। तुम्हें ये सब कहाँ से मिले? बाबा के कमरे में थे, एक फ्रेम के पीछे। देखो मेहताब, इसमें लिखा है कि नाना जान ने क्या वसीयत की थी और किसके मकरूज हैं। पिछले वसीयतनामे में याद है कुछ भी नहीं था उसमें, मतलब ज़रूर वो वसीयतनामा जाली रहा होगा। सासा, ये नामुमकिन है। मैं नाना जान की बात याद कर सकता हूँ, वो कह रहे थे कि उनकी एक और बीवी है जिसका नाम शरीफा है। है वो दूसरे पेज पे देखो। अब सिर्फ एक बात रह जाती है, वो ये कि मैं कैसे सबसे कहूँ। अगर अम्मी से कहूँ कि बाबा ने ऐसा काम किया है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और अगर नानी जान से उन हालात में बताता हूँ तो उनके शौहर की एक और बीवी थी, तो उनका हाल भी अम्मी की तरह हो जाएगा। शरीफा सुल्तानी, दादी जान ये ना मुस्तकिल लिया करती थी। शरीफा सुल्तानी डॉक्टर नेकजाद की माँ का नाम है। यकीन करो सासान, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये कैसे मुमकिन है? मैं कह रही हूँ मैंने खुद सुना है, तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर देख। ठीक है चलो मान लेते हैं उनका नाम भी वही रहो, ये भी शरीफा वो भी शरीफा। लेकिन एक बात रहती है, और ये कि तुम कह रही हो वो डॉक्टर नेकजाद की माँ है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके शोहर का नाम नेकजाद रहा होगा। सासान किसी भी सूरत में हमें ऑपरेशन रुकवाना। लेकिन क्यों? इसलिए कि अगर ये खत वही दाजान का वसीयतनामा हो और वही कर्ज जो हमें बताना चाह रहे थे, तो हमें उनकी तरफ से माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन मेहताब इसमें फ़र्क क्या है? अहम तो ये है। अहम क्या है सासान? अगर ये शरीफा वही डॉक्टर नेकजाद की माँ हो, अगर खुदा ना खासा उनको ऑपरेशन में कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? मेहताब हम सिर्फ इस वजह से कि दोनों का नाम शरीफा है तो ये नहीं कह सकते ना। ठीक है तो फिर हमें मुतमईन होना पड़ेगा। चलो ये कागजात किसी दूसरे को भी दिखा। ठीक है चलो खुशवाम को दिखाते हैं। नहीं बाबा को नहीं। क्यों? लेकिन कम से कम उनको जानना चाहिए। मुझे शक है कि उनको इस बात की खबर ना हो। मतलब क्या है? मतलब खुसरो मामू भी मुतमईन तो नहीं हो सासान, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारे बाबा ने बाबा को सब कुछ बता दिया होगा। ये कि दादा जान की दूसरी बीवी थी, ये वसीयतनामा, इसीलिए वो इतना नाराज़ और परेशान थे और ठीक से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर खुसरो मामू ने ये चीज़ें देखी हूँ तो क्यों किसी और से इस बारे में बात नहीं की? शायद इसलिए कि दादा जान ने उसमें लिखा है कि दादी को इस बात की कोई खबर नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कुछ तो करना चाहिए। कहो तो अम्मी से बात करें। नहीं सासा, ये बात उन्हीं से कहनी चाहिए जिसे दादा जान ने कहा है। असल में मामू जान, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उनमें इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। नहीं पता कि खुद बाबा जान की ऐसी वसीयत थी भी या नहीं। बहरहाल मैं कहना चाह रहा था कि अगर तुम लोगों ने उनके लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं की हो तो मैंने खुद एक जगह का इंतज़ाम किया है, फत्ता को वहाँ ले जा सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं आपका थोड़ा वक्त ले सकता हूँ? क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है ना? जी हाँ, सिर्फ एक सवाल है, कहीं चले मामू? ठीक है चलो, माफ़ कर, कोई बात नहीं। मनुचेर, ये मनुचेर कहाँ चले गए? सीमा, सितारा थोड़ी बेचैन थी, वो गाड़ी में ले गई है उसे। मेरे खुदा, फत्ता आफाक से शादी से पहले एक और शादी कर चुके थे, नामुमकिन। मामू आप तो उनकी दस्तखत और राइटिंग को पहचानते ही हैं। दस्तखत और राइटिंग को तो पहचानता हूँ, लेकिन उनको भी ठीक से जानता हूँ। फत्ता ऐसे इंसान नहीं थे। असल में इस बात का जानना मेरे मरने के बाद बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, जाओ अपने मरने के बाद बताना। ये बात बहुत अहम है, आफाक को भी पता नहीं है। क्या है हाजी, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
शायद चूंकि उनको तलाक दे चुके थे कुछ ना कहा। शादी की तारीख तो आफाक के साथ शादी से पहले की है और तलाक की तारीख शादी के बाद की है। मतलब पहले शादी कर चुके थे, फिर आफाक से शादी की है और फिर उसको तलाक दी है। नहीं, नामुमकिन है। फत्ता, तुमको ये चीज़ें कहाँ से मिली? मामू ये अहम नहीं कि हमें ये कैसे और कहाँ मिला, लेकिन मुझे यकीन है ये वो चीज़ें जो दादा आपसे कहना चाह रहे थे कि उसे अदा करें। लेकिन आप वादा करें कि आफाक से कुछ नहीं कहेंगे? मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। ये खत, शरीफा और ये सब। मामू महताब कह रही है कि शरीफा को जानती है, मतलब समझती है कि उन्हें जानती है। तुम जानती हो? जी पहचानती हूँ, शरीफा सुल्तानी। आप भी उन्हें पहचानते हैं? मैं नहीं। ये शरीफा कौन है जिसे मैं पहचानता हूँ? शरीफा सुल्तानी, डॉक्टर निगजात की माँ। मामू क्या आप डॉक्टर निगजात की वालिदा का नाम जानते हैं? सोहराब की वालिदा? उनका नाम भी शरीफा सुल्तानी है। अगर उनका नाम शरीफा सुल्तानी है तो रहे, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि वो औरत वही है? लगता है कि तुम पागल हो गई हो। वो सोहराब की माँ है, मेरे दोस्त की। मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह जानता हूँ। उसका बाप मर चुका है एक एक्सीडेंट में। अगर ऐसा ना हुआ तो शायद आपसे ऐसे कहा हो। बस करो भी मेहताब। बेटा सोहराब क्यों मुझसे झूठ बोलेगा कि उसका बाप एक्सीडेंट में मारा गया? शायद उन्होंने सोहराब के बाबा से शादी करने से पहले दर्जान से शादी की हो। ठीक तो कह रहा है, शायद दर्जान से तलाक लेने के बाद किसी ने एजाज साहब से शादी की, ये तो उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन बेटा शायद और मुमकिन से तो किसी की इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। पहले देखना होगा कि ये खत असल भी है कि नहीं। मामू मुझे यकीन है ये वही चीज़ है जो दादा आपको दिखाना चाहते थे। आप ही ने तो कहा था कि वो नमाज के दरमियान आपसे बात करने आए थे। सासान ने भी उन्हें देखा है कि कह रहे थे मैं शादीशुदा था, उसका नाम शरीफा था, उसका एड्रेस भी उन्होंने ही सासान को दिया था। प्लीज़ मामू, अब जब शरीफा हमारे सामने मौजूद है तो क्यों नहीं आप हकीकत जानना चाहते? लेकिन कैसे? मैं जाकर अपने दोस्त सोहराब से, अपने दोस्त से कहूं कि तुम्हारी माँ एक ज़माने में मेरे बहनोई की बीवी रह चुकी है, क्या ये मुमकिन है? हम उनके ससुर से तो पूछ सकते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, क्यों तुम लोग आखिर किसी की इज्जत के बारे में नहीं सोचते? खुद फत्ताह की इज्जत के बारे में सोचो। मामू उनकी आखिरत ज़्यादा अहम है इज्जत? दादा ने आपसे मदद मांगी है, आप उनकी मदद नहीं करेंगे? शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं हाजिर खिदमत हूँ। असल में शायद आप ये सोचें कि इन हालात में ये कैसा सवाल कर रहा हूँ, लेकिन इसका जवाब मेरे लिए बहुत अहम है। कोई बात नहीं, बगैर कोई तकल्लुफ आप अपनी बात कहिए। असल में बात सोहराब के बारे में है, या यूं कहूँ उनकी वालिदा के बारे में। जी कुछ गलत तसव्वुर ना कीजिएगा। असल में अगर बहुत ज़रूरी ना होता तो हरगिज़ ना पूछता। नहीं आप फरमाइए, मैं हाजिर हूँ, बात क्या है? असल में मैं पूछना चाह रहा था कि मोहतरमा ने सोहराब के वालिद से शादी से पहले कोई दूसरी शादी की थी? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक ही बार शादी की है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, आप क्यों ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? कुछ नहीं तो फिर एक गलत फहमी हुई है।
माफ़ कीजिएगा, एक बहुत अहम मसला था जो मैं आप ही से पूछ सकता था। और हाँ, मेरी गुजारिश है कि ये गुफ्तगु सिर्फ मेरे और आपके दरमियान ही रहनी चाहिए। शुक्रिया। एक मिनट, असली बात क्या है? मेरी गुजारिश है कि मुझसे हकीकत बयान कीजिए। मैंने अर्ज़ तो किया, सिर्फ एक गलत फहमी थी। अब जब सुन लिया कि उन्होंने सिर्फ एक बार शादी की है तो मुझे अब सुकून मिल गया और इसका ताल्लुक उनसे नहीं। चलिए आप समझ लीजिए कि इसका ताल्लुक इनसे है। असल बात क्या है? लेकिन आप तो कह रहे थे कि... कैसे कहूँ, असल में इखलाकन इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता। लेकिन एक मिनट, एक मसला है जिसका ताल्लुक आपकी बात से हो सकता है। इसी मौजू के बारे में? मेरी ख्वाहिश है कि इससे ज़्यादा मुझसे कुछ ना पूछिए, सिर्फ बताइए बात क्या है। आप बयान कीजिए बात क्या है। तो फिर ये बात हमारे दरमियान रहना चाहिए। असल में मेरी बहन को भी इसकी इत्तला नहीं है। हमें भी जल्दी ही पता चला है कि हाजी फत्ता की पहले भी शादी हो चुकी थी जिनको उन्होंने छोड़ दिया था। कोई खातून ये उनका आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें उनकी अहलिया का नाम शरीफा दर्ज है। अलबत्ता मुझे इल्म था कि उनके शौहर एक एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, लेकिन इस बात से मुझे मुतमईन होना था कि उन्होंने भी दूसरी शादी की थी कि नहीं। रसूल साहब, क्या कोई बात है जो मुझसे ना कही हो? असल में कल रात उन्होंने एक बात मुझसे कही है। मैं समझता हूँ इसका इस मौजू से ताल्लुक़ है, लेकिन जब तक इत्मीनान ना हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। रसूल साहब, मुझे इस सवाल का जवाब इसी वक्त चाहिए। लेकिन इस वक्त तो इनका ऑपरेशन होने वाला है, अगर इजाज़त दें तो ऑपरेशन के बाद मैं हाजिर खिदमत हूँ। ये ख़त मुलाहिज़ा फरमाएं। इस ख़त और आइडेंटिटी कार्ड के अलावा उनकी पहली बीवी से सिर्फ यही सबूत हमारे पास है। खुदा के वास्ते, अगर आप समझते हैं कि ये मोहतरमा वही हमारी गुमशुदा हैं तो हमारी मदद कीजिए। मसरूफ लग रहे हैं, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम आपकी हमशीरा के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि वो कल रात मिल नहीं पाई और अपनी बात को आपकी वालदा से कह नहीं पाए। मैंने सोचा शायद उन्होंने आपसे खुद ही गुफ्तगू की होगी। क्यों? जी जी, इत्तेफाक से मैंने भी अम्मी से बात की, उनकी ख्वाहिश भी ज़रूर सर आँखों पर। ऑपरेशन तक टाइम है क्या? तकरीबन एक घंटे में। इत्तेफाक से मैं उनके डॉक्टर ही के पास जा रहा था, कुछ बातें करनी थी। मुझे भी हाजी फत्ताह के आखिरी दीदार के लिए जाना था। समझ सकता हूँ, माफ कीजिएगा। आप जा सकते हैं। हाजी रसूल, खुदा के लिए ये काम जरूर कीजिएगा। शायद अब वाजिब हो गया है कि एक चक्कर घर का लगा लूं। सादिक, शरीफा के बारे में जान गया? सब कुछ आफाक से कहने आया है?
नहीं हाजी, वो तुमसे बात करने आया है। मेरे साथ क्या किया तुमने? मेरे साथ क्या किया तुमने? सादिक, अब ज्यादा वक्त नहीं है। उस नमक रोटी का वास्ता जो हमने साथ खाया, सब कुछ आफाक से कह दो। बाबा यहाँ किस लिए खड़े हैं? मैं अम्मी के पास जाना चाहती हूँ। यहाँ हम ताज़ा हवा खा रहे हैं, वहाँ क्या मिलेगा? मरीज भरे पड़े हैं, हवा गंदी है, वहाँ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है मेरे बेटा। मैं चाहती हूँ जब नानजान को ले जाएं तो मैं वहाँ रहूँ। मैं वादा करती हूँ नहीं रोऊंगी। तुम नहीं रोगी? वो लोग तो रोएंगे, पीटेंगे, अपना सर पीटेंगे। कोई दूसरे से मिलकर रोएगा, तुम्हारी माँ बेहोश होकर इधर गिरेगी। ये कोई देखने की चीज़ है? अरे बाप रे। पापा क्या कर रहे हैं? तुम्हारे नाना जान। पापा एक बात पूछूं? पूछो बेटा। अगर इंसान कोई ऐसा काम करे जो नहीं करना चाहिए था लेकिन मजबूर रहा हो तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा? जहन्नम क्या है, जन्नत क्या है, ये क्या है, वो क्या है? कौन उधर से वापस आया है कि जिसने बताया जहन्नम है या नहीं है? बाबा मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैं भी तो सीरियस हूँ बेटा। खुदा के वास्ते ये सब चीज़ें मुझसे ना पूछो। जाओ अपने दुनियात के टीचर से ये सब पूछना। हेलो जी। हाँ हाँ बोलो। सीमा बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं, सदर लेकर बाहर आया था कि जरा सा हवा बदल जाए। मेरी बच्ची वहाँ परेशान हो रही थी। अच्छा ठीक है, तो मैं सितारों के घर पहुँचा कर वापस आता हूँ जल्दी। ठीक है, अच्छा खुदा हाफिज़। चलो बेटा। बाबा मैं ठीक हूँ। चलो बेटा, जानता हूँ ठीक हो। उठो उठो, इस वक्त भी बीपी लो है, तुम्हें कुछ खबर भी नहीं है। उठो मेरी बेटी, चलो मेरी गुड़िया। रास्ते में एक जूस भी पिलाऊंगा। अरे तुम तो रोज़ा हो। बाबा अब मुझसे कुछ कहिएगा अभी कि नहीं? सादिक साहब ने आपसे क्या कहा है? कुछ ना पूछो राना, फिलहाल कुछ ना पूछो। मतलब क्या है? अब जब इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है, हमें हॉस्पिटल छोड़कर निकलना चाहिए और अपने घर जाना चाहिए। खुदा के वास्ते मुझसे भी तो कुछ कहिए। पहले घर पहुँचने दो, मुझे मुतमइन हो जाने दो तब। किस चीज से मुतमइन होना है? बस तुम अपनी गाड़ी चलाओ। क्या हुआ खुसरो? ये लोग एक बाई एक कहाँ चले गए? क्या पता, शायद डॉक्टर की वालिदा से मिलने गए हैं। ऑपरेशन के वक्त करीब है ना? डॉक्टर करीमी, ऑपरेशन थिएटर। अब तुम लोग मुझे कुछ बताओगे कि यहाँ क्या हो रहा है? तुमने सादिक मामू से क्या कहा है? रसूल साहब कहाँ गए? महताब, अब कुछ बोलोगी के नहीं?
ऑपरेशन की टीम तैयार हो गई है? जी डॉक्टर, ऑपरेशन रूम रेडी है। डॉक्टर आसिफ भी आ चुके हैं, मेरे ख्याल में 15 मिनट में मरीज को भी यहाँ लेते आएंगे। बेटा राना, एक काम करो, जाओ चुपके से सादिक साहब को यहाँ बुला लाओ, मुझे ज़रूरी काम है। चुपके से क्यों? ये सब क्या हो रहा है बाबाजान, मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, तुम ये काम जो कह रहा हूँ करो। बेटा जल्दी जाओ, देर ना लगाओ। ठीक है, जाओ बेटा। क्या हुआ? आपने सही सोचा था, मतलब यही कि शरीफा हाजी की बीवी थी? जी जी। लेकिन आपने तो कहा था कि शरीफा ने सोहराब के वालिद के अलावा किसी और से शादी नहीं की थी। अब भी कहता हूँ। मतलब सोहराब हाजी फत्ता का बेटा है? जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाजी मतलब फत्ता ने शरीफा को तलाक दी और इतने बरसों में कभी बच्चे के बारे में सोचा भी नहीं, कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है? जब हाजी फत्ता ने शरीफा को तलाक दिया था तो नहीं जानता था कि वो हामला है। ये बात कल खुद शरीफा मैडम ने मुझसे कही थी। देखिए, मैं तो नहीं जानता कि क्यों हाजी ने शरीफा को तलाक दी, ये वसीयत क्यों लिखी है, क्यों अपने को मकरूह समझते हैं, क्यों उनकी रूह अजाब में है। खुलासा ये कि इस कहानी में कई पहलू हैं जो मैं नहीं जानता, लेकिन जो चीज सबसे अहम है ये है कि इस वक्त कैसे शरीफा से माफी की गुजारिश की जाए। नहीं नहीं सादिक साहब, मैं इस वक्त शरीफा साहिबा से उस चीज की ख्वाहिश नहीं कर सकता हूं। ठीक है, सोहराब से कहते हैं कि जाकर अपने बाप के लिए माफी तलब करें। शरीफा साहिबा ने जिंदगी भर सोहराब से उसके बाप को छुपाए रखा है और इस वक्त भी मुझसे वादा लिया है कि जब तक जिंदा हूं मैं ये बात सोहराब से छुपाए रखूं। हाजी, हाजी फत्ता की रूह इस वक्त अजाम में गिरफ्तार है। शायद आपको यकीन ना हो, इसी दौरान ब्रेन हेमरेज के बाद अपने नवासे और मेरे सामने भी जाहिर हुए हैं, और ये सब सिर्फ अपने सुकून के लिए किया है, और उनके सुकून का वाही तरीका शरीफा की रजायत है। इस वक्त शरीफा साहिबा की हालत के लिए ये बात मुनासिब नहीं। इजाज़त दें, ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद चलेंगे, हाजी फत्ता के लिए इनसे माफ़ी तलब करेंगे। रसूल साहब, मैं इस वक्त ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऑपरेशन के दरमियान शरीफा साहिबा को कुछ हो गया तो उस वक्त माफ़ी तलब करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा, अरे भाई, हाजी फत्ता सोहराब के वालिद हैं, क्या सोहराब का हक नहीं है कि मरने से पहले वो अपने वालिद को पहचाने? नहीं जानता, मैं आपसे क्या बताऊं, शरीफा साहिबा ने मुझसे वादा लिया है, मैंने भी वादा किया है कि ये राज सोहराब से छुपाऊंगा। अब मैं क्या करूं, आप क्या करना चाहिए सादिक साहब? ठीक है, आप जाकर शरीफा साहिबा से पूरी बात बता दीजिए, उन्हीं को फैसला करने दीजिए कि सोहराब से कहना चाहिए या नहीं। लेकिन ये कहिएगा फत्ताह को माफ कर दे, कहिए ये कल्ब जो मिल रहा है वो उनके शौहर का है।
कहिए खुदा ने एक जरिया फराहम किया है कि ये कल्ब उनको मिल सके और शायद इस तरह उनका दिल भी पिघल जाए और हाजी फत्ताह को माफ कर दें। अरे क्या वक्त आ गया। ऑपरेशन टीम तैयार हो रही है, उनको ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा। आप लोग भी जहमत कीजिए, कमरे से बाहर तशरीफ रखें, यहाँ अलाव नहीं है। अब जाइए, अपने आप को परेशान ना करो मेरी जान। सीमा बेटा जाओ, सबको इकट्ठा करो, चलते हैं। जी ठीक है बेटा, परेशान ना हो। मुझे लेने आए हैं? मतलब सितारों को लेकर घर गया था, भावजान खत्म हो गए। चलो ठीक है। कभी नहीं थे तुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसे लेने आए हैं। स्ट्रेस तो नहीं है अम्मी? मैंने खुद को खुदा के हवाले किया है, जैसे उसकी मर्जी हो। अगर मैं मर गई। अरे अम्मी ये सब बातें आपने फिर शुरू कर दी। अच्छा वो रसूल साहब कहाँ है? रसूल साहब यहीं पर हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम, कहाँ थे आप? इधर ही था। देखो बेटा, सराब में एक मिनट शरीफा साहिबा से बात करना चाहता हूँ। इस वक्त तो हो नहीं सकता, ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। हाँ सब ठीक है, इजाज़त दीजिएगा एक मिनट के लिए, सिर्फ एक मिनट सराब मियाँ। लेकिन रसूल साहब क्या कुछ हुआ है? खैरियत तो नहीं है? कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए। लेकिन एक मिनट, थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए। मैडम माफ कीजिएगा, एक मिनट तशरीफ लाएंगी। माफ कीजिएगा। क्या हुआ? शरीफा साहिबा, शरीफा जी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन वादा कीजिए कल की तरह तबीयत ख़राब ना कीजिएगा। आप तो और मुझे डरा रहे हैं। कोई बात नहीं है, बस एक मसला है जो आपको बताना ज़रूरी है। कैसा मसला? आपके शोहर फत्ता सुल्तानी के बारे में। फत्ता सुल्तानी? आपको कैसे पता चला? रसूल साहब आपने तिजोरी खोल लिया क्या? मजबूर था, क्योंकि एक बात से मुतमईन होना था। किस बात से? कि मैंने आपसे झूठ तो नहीं कहा है, आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने वसीयत की थी। वो जिसका खल्ब आपके सीने में धड़कने वाला है वो हाजी फतेह सुल्तानी का है। फतेह सुल्तानी?
खुदा के वास्ते परेशान ना हो शरीफा जी। नहीं, नहीं मुझे यकीन नहीं है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। हाँ मैं ही हूँ फत्ता। हाँ शरीफा जी, उनका नाम हाजी फाता सुल्तानी है। दोनों बच्चों और सादिक इनके साले साहब को भी खबर है, मेरे पास आए थे शनाख्ती कार्ड के साथ। मैंने भी शनाख्ती कार्ड देखा है, आपका नाम भी इसमें लिखा हुआ था। शरीफ सुल्तानी है ना? नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है। असल में मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, सोचा शायद कोई गलतफहमी हुई है। इतने में सादिक ने ये मुझे दिखाया, देखिए आपके मोहर की तरह है, इसलिए मजबूर होकर आपका शनाख्ती कार्ड देखना पड़ा ताकि मुझे भी यकीन हो जाए कि जिसका कल्ब आपको मिलने वाला है क्या वो सोराब के बाबा का है कि नहीं। तो हाजी फत्ता का दिल है। हाँ मेरा कल्ब है जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा। जी हाँ, उम्मीद है मुझे माफ कर दोगी। जिसका कल्ब आपके मिलने वाला है फत्ता का है, सोराब के बाप का। आपने सोराब से तो नहीं कहा? नहीं, पहले मुतमईन होना चाहता था फिर सीधा आपके पास चला आया, लेकिन ये बात सोराब को जानना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ उस वक्त तक नहीं, मत बताइएगा। अगर वो इस वक्त जान जाए तो मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, जब तक इसके पास मौका है तो अपने बाप से मिलना चाहिए। आपने भी तो कहा था इसे हकीकत बताने चाहिए, अगर अपने बाप को ढूंढना चाहता है तो ये आखिरी मौका है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं जाना चाहिए। आपने मुझसे वादा किया था रसूल साहब, कसम खाइए मेहती की रूह की, कसम खाइए। एक मिनट मेरी बात सुनिए, खुदा के वास्ते अगर सोराब को बाद में इसकी इत्तला मिले तो ज्यादा नाराज होगा। दूसरी बात यह है कि सादिक ने बात मुझसे कही है कि हाजी ने वसीयत की है किसी भी सूरत आपको ढूंढना होगा और उन्हें माफ करने की गुजारिश की जाए। यकीन कीजिए, खुदा की कसम ये सब उसी की मसलियत है, खुदा की कसम, वरना वो कहाँ से जानते होंगे कि आप कौन हैं, कहाँ हैं। इनको तो ये भी खबर नहीं थी कि हाजी पहले से शादीशुदा थे। माफी की बात तो बिल्कुल ना कीजिएगा, वो बेचारा तो मर गया है, अब इस दुनिया में नहीं है, आप भी इसे माफ कर दें, खास तौर से अब जब इनका कल्ब आपको मिलने वाला है। नहीं रसूल साहब, ऐसी बात भी न कीजिए, मुझे उसके दिल की जरूरत नहीं है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। शरीफा साहिबा, आप ये कैसी बात कर रही हैं? रसूल साहब, मैंने आपको कसम दिलाई है, ना अब इसकी बात कीजिए और न मेरी मुखालिफत। शरीफा, खुदा के वास्ते तुम्हें सोहराब का वास्ता। उन्हें खुद राजी होना पड़ेगा जी, किसी भी तरह राजी करना पड़ेगा। अरे मेरे खुदा। که بسته است، یکی نیم مونده تو مشتم به جنون، به
رسید کارم بس که فرصت ها رو کشتم. بازی نور و صدا نیست، زندگی یه سرنوشته، یکی پیدا یکی پنهون مثل آدم و فرشته. بین موندن و نموندن سهم آدم و زمین شد، ما اسیر انتخابیم خودمون خواستیم و این شد فاصله فقط یه لحظه.